अस्थमा एक क्रॉनिक कंडीशन है जो छोटे एयरवेज को अफेक्ट करती है। एयरवेज वो ट्यूब जैसी सिलिंड्रिकल श्वास नलियां होती है जो हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस को फेफड़ों से अंदर बाहर ले जाती है। अस्थमा में ये एयरवेज ज्यादा सेंसिटिव और इन्फ्लेम्ड यानी कि सूज जाते हैं। इस सूजन के कारण श्वास नलियां नैरो छोटी हो जाती है। नैरो श्वास नलियों के थ्रू ठीक से सांस लेना डिफिकल्ट हो जाता है। अस्थमा के अटैक के दौरान एयरवेज और ज्यादा नैरो हो जाती है। श्वास नलियों की मांसपेशियां कस जाती है, उनकी परत में सूजन आ जाती है। श्वास नलियों में ज्यादा म्यूकस बलगम बनता है। ये गाढ़ा बलगम एयरवेज को पार्शियली या कम्प्लीटली ब्लॉक कर सकता है। इससे सांस लेना और डिफिकल्ट हो जाता है और गरगराहट जैसी आवाज आती है। गरगराहट सांस लेने के दौरान एक हाई पिच सीटी जैसी आवाज होती है जो पार्शियली ब्लॉक एयरवेज के कारण होती है। अस्थमा के अटैक के दौरान खांसी बढ़ सकती है। सांस लेना तेज और शैलो हो सकता है। अस्थमा के कॉमन कॉजेज। अस्थमा का एग्जैक्ट कॉज अभी भी अननोन है। अनफेवरेबल जेनेटिक्स अस्थमा का रिस्क बढ़ा सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे प्रदूषण, धुआं, तेज गंध, इंसेक्ट पार्टिकल्स, पराग पोलन, जानवरों की रूसी, फंगस, धूल, कचरा अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। सर्दी जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस अस्थमा को और खराब कर सकते हैं। ठंडी हवा, फिजिकल एक्टिविटी, इमोशनल स्ट्रेस और एंग्जाइटी सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकती है। अस्थमा के सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। कॉमन सिम्टम्स में घरघराहट, सांस लेने में दिक्कत, खांसी स्पेशली रात में खांसी आना, छाती में जकड़न शामिल है। सिम्टम्स के मध्यम और गंभीर हो सकते हैं। कुछ लोगों को सिम्टम्स एक सर्टन टाइम पे आते हैं। एक्सरसाइज या कोल्ड वेदर के दौरान सिम्टम्स और बढ़ सकते हैं। सिम्टम्स को जल्दी रिकॉग्नाइज करना मैनेजमेंट के लिए क्रूशियल है। अस्थमा का डायग्नोसिस क्लिनिकल हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, सिम्टम्स और कुछ टेस्ट्स के आधार पर करते हैं। अस्थमा या एलर्जी की फैमिली हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट क्लू है। फिजिकल एग्जामिनेशन से अस्थमा के सिम्टम्स और सिवरिटी को एग्जामिन करते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जैसे कि स्पायरोमेट्री और पीक फ्लोमेट्री फेफड़ों की जांच करते हैं। स्पायरोमेट्री आप कितनी हवा बाहर निकाल सकते हैं और कितनी तेजी से बाहर निकाल सकते हैं ये मापता है। पीक फ्लोमीटर आप कितनी जोर से सांस बाहर निकाल सकते हैं ये मापता है। ये टेस्ट अस्थमा की सिवियरिटी मेजर करते हैं। अस्थमा को इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। गोल सिम्टम्स को रोकना और अटैक्स को मैनेज करना होता है। ट्रीटमेंट मेजरली इंक्लूड्स मेडिकेशंस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। क्विक रिलीफ मेडिकेशंस अस्थमा अटैक के दौरान इस्तेमाल की जाती है। ये मेडिकेशंस श्वास नलियों को जल्दी खोलती है। इनहेलर्स क्विक रिलीफ मेडिकेशंस का सबसे कॉमन फॉर्म है। लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिकेशंस डेली ली जाती है। वे एयरवेज की सूजन धीरे धीरे कम करती है। स्टीरॉयड इनहेलर एक कॉमन लॉन्ग टर्म कंट्रोल ट्रीटमेंट है। कुछ लोगों को एलर्जी की दवाई भी लग सकती है। नॉन ट्रिगर से बचना इज इम्पोर्टेंट फॉर अस्थमा मैनेजमेंट। रेगुलर एक्सरसाइजेस लंग फंक्शन को इम्प्रूव और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। अस्थमा के साथ जीने के लिए कुछ लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट जरूरी है। इफेक्टिव कंट्रोल के लिए अस्थमा एक्शन प्लान इम्पेरेटिव है। एक्शन प्लान डॉक्टर के गाइडेंस के साथ बनाएं। डॉक्टर के साथ रेगुलर चेकअप्स करें। ये चेकअप्स आपके ट्रीटमेंट प्लान को रिस्पॉन्स के हिसाब से एडजस्ट मॉडिफाई करने में मदद करते हैं। अपने ट्रिगर्स को जानिए और उनसे बचे। अपने सिम्टम्स और पीक फ्लो रीडिंग्स पर ध्यान दें। अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स को अपने अस्थमा के बारे में बताएं। उनको मदद करने का तरीका सिखाएं। क्विक रिलीफ इनहेलर को हमेशा अपने साथ रखें। ये इनहेलर अटैक के दौरान आपकी जान बचा सकता है। सीवियर अस्थमा अटैक्स मेडिकल अटेंशन ना मिलने पर डेंजरस हो सकते हैं। अगर सांस लेने में तकलीफ हो, आप बिना रुके पूरे सेंटेंसेस बोल नहीं पा रहे हो, क्विक रिलीफ इनहेलर काम नहीं करते हो, तो इमरजेंसी हेल्प तुरंत ले। नीले होंठ या चेहरा ऑक्सीजन की कमी का एक सीरियस सिग्नल है। अपने सिम्टम्स के खराब होने तक का इंतजार ना करें। अस्थमा एक क्रॉनिक बट समटाइम्स सीरियस कंडीशन है जिसे इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। अस्थमा और अस्थमा के ट्रिगर्स को समझे। इफेक्टिव अस्थमा मैनेजमेंट के लिए अपने डॉक्टर की सलाह लें। सही अप्रोच, प्रॉपर ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ आप अस्थमा को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। विद दैट सेड गाइस, वी एंड दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस या डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट बिलो। सब्सक्राइब टू अभिजीत। जोर से मत बोल, आराम से बोल। सब्सक्राइब टू अभिजीत। अडियोस।